ये दारोडा में एक जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है। और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी, वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफर करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है, हमारी दोनों सर्जन भी सारी टीम के साथ लगी हुई है, उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफर कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे, और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। टोटल और देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे देंगे मैं नहीं कह सकता, लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टीमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। टोटल प्राइवेट नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफर कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ। थैंक यू वेरी मच सर। क्या कुछ घटना कैसे हुई है? ये बता रहे हैं कि भाई दारोडा क्षेत्र में कोई लाइफ कंपनी है, उसमें कोई बॉयलर फटा है, चिमनी पट्टी है, कुछ ऐसे है, वहाँ अच्छा हुआ है जो यहाँ घायल ट्रामा सेंटर रेवाड़ी आ रहे हमारे क्षेत्र। अभी अभी यहाँ क्या स्थिति है ट्रामा सेंटर में, आप यहाँ ड्यूटी पे क्या स्थिति है? जैसे सूचना मिली है यहाँ देखा घायलों की संख्या थी, और जो जिनकी तबियत ज्यादा खराब हो रही थी उनको रोहतक के लिए रेफर किया जा रहा है, बाकी सभी डॉक्टर वगैरह उपचार के लगे हुए हैं, स्थिति की अभी पीसफुल है, कोई ऐसी घटना। आपको कुछ मालूम हो कितने लोग यहाँ पे जो सर? ऐसा कुछ अभी पता नहीं चला, लोग घायल आते जा रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह की कैजुअल्टी सामने आई है? ऐसी कोई कैजुअल्टी सामने नहीं आई है, जो कुछ पता लगा हो कैसे क्या हुआ हो सर? ये कभी कुछ ऐसे पूरा जांच पड़ नहीं, जांच पड़ताल करने के बाद जैसी सूरत होगी वैसे वो पता करी जा रही है, और अभी कुछ मामला के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि क्या मामला था, कैसे क्या हुआ। ठीक है।